अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल की भागती दौड़ती इस ज़िंदगी में यार सब अपने माँ बाप को भूलते जा रहे हैं। वो माँ बाप जो अपने बेटे को पालने के लिए क्या से क्या कर देते हैं बड़ा करने के लिए, वही माँ बाप जो अपने बेटों बेटियों के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। यार आजकल देख रहा हूँ अपने माँ बाप को छोड़कर लड़कों की शादी हो जाती है, भूल जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं, मरे जिए क्या हो कुछ हो कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता यार, बहुत तकलीफ़ होती है। और एक बात, जिनके माँ बाप नहीं है ना उनसे जाकर पूछो कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है। असल में मुझे भी पता चला, मैं घर पे जब रहता था मुझे नहीं पता था कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है, लेकिन जब मैं पढ़ने गया यहाँ से दूर कहीं बाहर तो मुझे पता चला यार माँ बाप क्या चीज़ है, क्या होता है माँ बाप का रहना पास में। तकलीफ इस बात की होती है ना कि माँ बाप हमारे लिए सब कुछ कर देते हैं बचपन से लेके हम लोग के जवानी तक, लेकिन हम लोग माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ ना कि चाहे लड़की हो या लड़का हो अपने माँ बाप की इज्जत करो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत दो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। बस यही कहना चाहता हूँ यार मैं। मेरा साफ सब कहने का मतलब ये है कि अपने माँ बाप को मत छोड़ो यार, किसी के लिए मत छोड़ो। वही माँ बाप जब सब छोड़ देते हैं ना तो कोई नहीं काम आते, तो सिर्फ माँ ही बाप काम आते हैं। हम लोग इतना ठुकरा देते हैं माँ बाप को हर किसी के लिए, लेकिन एक वही है जो हमें संभाल लेते हैं। प्लीज़ यार सबसे कह रहा हूँ अपने माँ बाप की इज्जत करो, केयर करो और बुढ़ापे में उनका सहारा बनो। प्लीज़।